अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर एक बार आपके सामने ले आए हैं 50 इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स की। इससे पहले हमने तीन वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं जिनमें हमने 150 इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स की बात की है, तो आज हम 151 से बात करेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक आप बिल्कुल बने रहिए और अपनी नॉलेज में आप इजाफा कीजिए। तो इससे पहले कि हम अपने मौजू को शुरू करें, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भी शामिल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप हमारे जेन के आइडल अकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए हमने एक एमसीक्यू कंपेनियन बनाया है, जिसमें 1200 से ज्यादा एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हमने लगाए हैं। हर सेक्शन पे हमने एमसीक्यूज बनाए हैं ताकि एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो है वो आप तक पहुंचे और आप अपनी इस प्रेपरेशन को बेहतर बना सके। तो इस एमसीक्यू कंपेनियन को हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम अपना जो मौजू है वो शुरू करते हैं। तो सीधे आते हैं हम क्वेश्चन 151 पे। तो विच स्टेट डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अगर हम जे एंड के आरटीआई एक्ट 2009 की बात करें तो उसमें, हालांकि वो अब जे एंड के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिपील हुआ है, लेकिन रिपील होने के पहले जब अपॉइंटमेंट होता था स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, तो ये किस सेक्शन में इसकी जिक्र थी? तो इसकी जिक्र थी 12 सेक्शन 12 में, क्लास 5th में, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विच प्लेस इन जे एंड के इज नोन एज छोटा काशी। जम्मू कश्मीर में छोटा काशी जो है वो किसको कहते हैं? अगर आपको याद हो, आपने जो हाल ही में एग्जाम हुआ है जे के एस एस बी की तरफ से, स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम ऑन 14th ऑफ जनवरी 2014, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि छोटा काशी जो है वो किसको कहते हैं। तो ये कहते हैं किसको, पुरमंडल को। बदरवा इज आल्सो नोन एज, बदरवा को हम मिनी कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। द फेमस ट्यूलिप गार्डन इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के? इट इज सिचुएटेड इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के। द फेमस टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग इज लोकेटेड इन, ये लोकेट है किसमें, बारामूला में। द मॉडर्न सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन अनंतनाग, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था कि मॉडर्न सन टेम्पल जो ललित दीदी ने बनाया है, ये जम्मू कश्मीर के किस जिले में है? तो इसका जो आंसर है वो है अनंतनाग। विच प्लेस इज नोन एज मून लैंड इन लद्दाख? तो यह है लामायुरु। द रियासी फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज बिमगर फोर्ट, इसको कहते हैं। द बाहू फोर्ट इज लोकेटेड ऑन विच बैंक? ये है किस बैंक पे है, ये रवि के बिल्कुल किनारे पर वाकिया है, याद रखिएगा। उसके बाद द हरी निवास इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तवी रिवर। द फेमस निशा गार्डन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के? तो ये है बिल्कुल श्रीनगर। द अमरनाथ केव इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के? इसका आंसर है अनंतनाग। विच ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द टूरिज्म सेक्टर इन जे एंड के? तो इसके यहाँ लुक आफ्टर करता है कौन, जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉपरेशन, याद रखिएगा। वेर वॉज जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉपरेशन एस्टैब्लिश्ड? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 13th फेब 1970। द सिटी ऑफ जम्मू इज पॉपुलरली नोन एज, इसको पॉपुलरली नोन करते हैं किस नाम से, हम जानते हैं सिटी ऑफ टेम्पल से। द फर्स्ट फोर्ट, इसको आप अभी छोड़िए, यहाँ पे थोड़ा इसमें करेक्शन है। द फोर्ट लोकेटेड ऑन द हिल्स इन द विसिनिटी ऑफ राजौरी टाउन कंस्ट्रक्टेड बाई? तो इसको कंस्ट्रक्ट किया है मिया हाथू ने, और ये कौन है, ये है बिमगर फोर्ट, याद रखिएगा।
तो फिर से मैं इसको पढ़ता चलूं। द फोर्ट लोकेटेड ऑन द फुट हिल्स इन द विसिनिटी ऑफ राजौरी कंस्ट्रक्टेड बाय मियां हाथू। ये कौन सा फोर्ट है? ये है भीमगढ़ फोर्ट, ये सॉरी दांदीदर फोर्ट, ये याद रखिए दांदीदर फोर्ट याद रखना। वो रिनोवेटेड भीमगढ़ फोर्ट, तो इसको रिनोवेट किया है किसने? महाराजा गुलाब सिंह ने। बाहू फोर्ट इन जम्मू हैज द श्राइन ऑफ बावे वाली माता। ऑरिजिन ऑफ द नेम पटनी टॉप इज अ डिस्टोर्शन ऑफ द नेम पटन द तालाब, रेफर्स टू पटन द तालाब, रेफर्स टू पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस। अमर सिंह पैलेस बिल्ट बाय राजा अमर सिंह डोगरा की, विच इज नाउ कन्वर्टेड इंटू अ म्यूजियम इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ये है किस रिवर के किनारे? दरियाए तवी के किनारे पर, याद रखना इसको आप। प्लीज होल्ड 1 मिनट। विच प्लेस इज पॉपुलरली नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स? तो ये है गुलमर्ग। विच इज द ओनली डूम्ड मॉस्क इन श्रीनगर हजरतबल, द रिजॉर्ट नोन फॉर इट्स गोल्फ कोर्स द हाइएस्ट इन जे एंड के। ये कौन है? ये है गुलमर्ग, याद रखना इसको। विच प्लेस इज पॉपुलरली नोन एज विनीस ऑफ ईस्ट? ये श्रीनगर है। विच रीजन हैज बीन कॉल्ड एज द पैराडाइज ऑन अर्थ? पैराडाइज ऑन अर्थ किसको कहते हैं? ये कहते हैं कश्मीर वैली को। अगर आपको जहांगीर का वो शहर याद हो तो फिर मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आंसर देखने की जरूरत नहीं है। अगर फिरदौस से भर रहो ये जमीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, जहांगीर ने इस वैली को पैराडाइज ऑन अर्थ का नाम दिया है। विच लेक इज द लार्जेस्ट ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड लेक इन द ट्रॉनस हिमालय रीजन एंटायरली विद इन इंडिया? ये कौन सी है? ये है सोमोररी लेक। विच प्लेस इज नोन एज लैंड ऑफ लामाज? तो ये किसको कहते हैं? लेह को कहते हैं। हिमिस मिनास्ट्री इन साउथ ईस्ट ऑफ लेह वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय? तो इसको किसने बनाया है? यह किंग सिंह निमगायल। विच सिख गुरु विजिटेड गुरुद्वारा सिचुएटेड इन द हरी पर्वत फोर्ट? किसने विजिट किया है? गुरु हरगोबिंद सिंह, याद रखना। जहांगीर बिल्ट द शालीमार गार्डन इन श्रीनगर फॉर? किसके लिए बनाया है? अपनी वाइफ नूर जहान के लिए बनाया है। विच मोनेस्ट्री हैज ए स्टैचू ऑफ शक्यामुनि बुद्धा? तो ये कौन है? ये शई मोनेस्ट्री है। पांच बख्तर टेम्पल वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इज ऑफ जम्मू इज एट्रीब्यूटेड टू विच हिंदू डाइटी? इसको एट्रीब्यूट किया है किसको? लॉर्ड शिवा को। ओवर विच हिल्स श्राइन ऑफ माता विष्णु देवी इज लोकेटेड? तो ये है शरी का सॉरी त्रिकुटा हिल्स, इसका आंसर है त्रिकुटा हिल्स पे ये बिल्कुल है। शादरा शरीफ इन राजौरी हैज अ श्राइन ऑफ बाबा गुलाम शाह, याद रखना। फॉर विच हजरबल श्राइन इज फेमस फॉर? ये फेमस है किसके लिए? फेमस है ये मोई मुकद्दस बिलीव टू बी द हेयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंडर द रूल ऑफ विच किंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल कंप्लीट? तो किसके दौर में इसको ये कंप्लीट किया गया? रणबीर सिंह के दौर में इसको कंप्लीट किया गया। विच टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज तख्ती सुलेमानी? किस टेम्पल को तख्त सुलेमानी के नाम से भी जानते हैं? ये शंकर आचार्य टेम्पल को कहते हैं, ये आप इसको याद रखना, शंकर आचार्य टेम्पल को। हु कंस्ट्रक्टेड द हरी पर्वत फोर्ट इन श्रीनगर? ये किसने कंस्ट्रक्ट किया है? अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान। हु बिल्ट चश्मा शाही? इसको बिल्ट किया किसने? बिल्ट बाई अली मर्दान खान ऑन द ऑर्डर्स ऑफ शाहजहां एज ए गिफ्ट फॉर हिज एल्डर सन दौरश को, याद रखिएगा। एंड इट वॉज बिल्ट इन 1632। द फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ हरी पर्वत फोर्ट वॉज
हरि पर्वत वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर इन 1590। हु कंस्ट्रक्टेड द शंकर आचार्य टेम्पल? इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा गोपाल द्वितीय। हु एस्टैब्लिश द नागा साहिब गुरुद्वारा अ पुनिश? इट वॉज एस्टैब्लिश बाय सेंट बाई मेला सिंह। हरि पर्वत हैज अ श्राइन ऑफ शरीका माता, याद रखिएगा, श्राइन ऑफ हमजा मखदूमी एंड गुरुद्वारा। विच सिख गुरु इज बिलीव्ड टू ओकेजनली विजिट द हरि पर्वत? गुरु हरगोबिंद सिंह। व्हाट आर द अदर नेम्स फॉर हरि पर्वत? गुरानी फोर्ट इसको भी कहते हैं और कोही मारान भी इसको कहते हैं। हु बिल्ट स्टोन स्टेयर्स एट द शंकर आचार्य टेम्पल? तो दिस स्टोन स्टेयर्स वॉज बिल्ट बाई नन अदर देन राजा गुलाब सिंह। हु बिल्ट अमर महल, यानी जिसको हम हरी पैलेस भी कहते हैं, अमर महल, हरी पैलेस। इट वॉज बिल्ट इन 19th सेंचुरी फॉर डोगरा किंग राजा अमर सिंह बाई फ्रेंच आर्किटेक्ट ऑन द लाइन्स ऑफ फ्रेंच चैट्यू। उसके बाद है हु कंस्ट्रक्टेड द रेवनिश्वर टेम्पल इन अखनूर? इसको कंस्ट्रक्ट किया है रणबीर सिंह ने। विच पैलेस इज नोन एज मीडो ऑफ गोल्ड? तो सोनमर्ग को कहते हैं। विच टाउन इज लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ माता विष्णु टेम्पल? दैट इज कटरा, याद रखना इसको। तो बिल्कुल कम टाइम में मैंने कोशिश की है कि इन 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को हम कंप्लीट करें। तो सो फार वी हैव कंप्लीटेड 200 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स इन जस्ट 4 वीडियोस। तो अगर आपने उन 151 से लेके 150 हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल पहले उन 3 लेक्चर्स को देखिए जिनमें फर्स्ट वन लाइनर से लेके 151 लाइनर्स तक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल रिज्यूम आवर लेक्चर्स ऑन डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो यू बेयर विद अस एंड एंजॉय आवर लेक्चर्स ऑन J&K आइडियल एकेडमी। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।